Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं Car for Sale Simulator. तो जैसा कि आप लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में मैंने अपने कार शोरूम को रीबिल्ड करने का काम चालू करा है. मतलब मैं अपने कार के शोरूम को दोबारा से तोड़ के एकदम लग्जरी स्टाइल में नया बना रहा हूँ. हाँ, वैसे मुझे पता है कि अपना शोरूम पहले भी बहुत अच्छा खासा दिखता था, बट अभी सीन पता है क्या है? पहले ना ऐसे काफी नॉर्मल सा लगता था, बहुत सस्ती सस्ती गाड़ियां हम लोग खरीद के लाते थे, कहीं भी खड़ी कर देते थे. बट इस बार जो मैं शोरूम बनाने वाला हूँ वो होने वाला है एकदम अल्टीमेट लग्जरी लेवल का, क्योंकि इस टाइम पर अपने पास सारी लग्जरी कार्स है. फरारी, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी तो गेम में ही नहीं है, निसान GTR, वो ऑलमोस्ट हर एक सुपर कार है अपने पास. इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अपने शोरूम को भी नया बनाया जाए. तो ठीक है, फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से चलते हैं वीडियो में. ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टेक्नो मोटर्स. वैसे हाँ, एक चीज मैं आप लोग को बताना ही भूल गया था कि गेम में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है. सर्दियां आ चुकी है तो पूरे के पूरे मैप में भाई बहुत ही प्यारी स्नोफॉल हो रही है. और भाई ये स्नोफॉल कुछ ज्यादा ही हेवी क्वांटिटी में हो रही है. पहले यहाँ पर ऐसे घास वास हुआ करती थी, बट अभी पूरी भाई स्नो से ढक चुकी है सारी की सारी जगह. और ये देखो भाई, मेरी गाड़ियां यहाँ पे बर्फ में भीग रही है. भीग नहीं थी, मतलब जम रही है. खराब मत हो जाना भाई, देखो ऐसा मुझे लगता तो नहीं है इन सब गाड़ियों में कोई दिक्कत आती है, बट ये क्या चीज है यार, हर थोड़ी देर में एक रेनडियर जा रहा है जो कि सांता क्लॉज उड़ा रहे हैं. भाई सांता कोई गाड़ी वाड़ी गिफ्ट करने के सीन में तो नहीं हो तुम? यार काश ऐसा हो कि सांता कोई रात में से गाड़ी दे जाए. सॉक्स कहाँ रखनी होती है मुझे बस ये बता दो. बाकी हाँ गाइस, ये देखो लास्ट एपिसोड में मैंने अपने शोरूम को आधा बिल्ड करा था, ये अभी कुछ ऐसा दिख रहा है. बट इसका जो फाइनल आउटपुट है वो बहुत अच्छा आने वाला है. अभी सिर्फ ये जो ग्राउंड फ्लोर है ना, ये भी पूरा अच्छे से कंप्लीट नहीं है. ये जो स्नो वाला एरिया है ना, यहाँ पे एक्चुअल में ग्रास आने वाली है, इस तरफ में वॉल आने वाली है. और यार इस बर्फ में तो पता नहीं क्या ही हो रहा है, ये इतनी ज्यादा स्नोफॉल की हो रही है. मैंने तो सोचा था कि अपने शोरूम में छत नहीं लगाएंगे, ऐसे मस्त सनलाइट आएगा, बट ये वेदर चेंज हो गया भाई, सनलाइट तो नहीं स्नो जरूर आ रही है. तो हाँ, ये है ऊपर वाला फ्लोर जहाँ पे मैं गाड़ियां पीछे लिफ्ट लगाई थी मैंने, 1 2 3 3 3 नहीं सॉरी मैं नीचे आ गया मैं. हाँ, तो बैक साइड पे ना मैंने टोटल 4 लिफ्ट लगाई थी ताकि मैं गाड़ियों को इजीली ऊपर वाले फ्लोर पे ले जा पाऊँ. फिलहाल खुद गिरा था तो पहले खुद ऊपर चलते हैं. पिछले वाले शोरूम में ना गाड़ियां ऊपर लाने में बहुत दिक्कत होती थी, बट इस बार मैं एक ही बार में 4 गाड़ियां खड़ी करूंगा, बटन दबाऊंगा, चारों गाड़ियां ऊपर वाले फ्लोर पे. और मेरी तो प्लानिंग की है कि इसे एक नहीं 3-4 फ्लोर का बनाएंगे. आप लोग को क्या लगता है कमेंट में बताना कि मुझे इसे कितने फ्लोर का बनाना चाहिए. वैसे मेरे माइंड में क्रेजी आइडिया आ रहा है, मैक्स जितनी हाइट जा सकते हैं उतना ऊंचा बनाए इसे. अंबानी जी का जैसे एंटीला टावर होता है कुछ वैसी सी लुक आ जाएगी भाई. बाकी हाँ यार, एक प्यारी चीज पता है क्या थी कि अपने इस शोरूम में ये बालकनी वाला एरिया कितना मस्त है यार. मतलब तुम नीचे की भी गाड़ियां ऊपर वाले फ्लोर से देख सकते हो. खैर ठीक है, अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मुझे ना अपने शोरूम को बनाने का काम कंटिन्यू करना है. बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ये काम कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि इस शोरूम को बनाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए. मैं ऑलरेडी बहुत पैसा खर्च चुका हूँ अपनी गाड़ियों पे और शोरूम पे भी, और अभी मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं बचा है. तो मुझे दोबारा से बिजनेस में घुसना पड़ेगा, गाड़ियों को खरीद के बेचने का काम चालू करना पड़ेगा. आई मीन वो काम तो मैं करूंगा ही, बट हाँ मेरे पास बहुत सारी तगड़ी तगड़ी कार्स थी जिसका मैं सोच रहा था कि कलेक्शन बनाते हैं, बेचूंगा नहीं. बट अभी ठीक है, कुछ कुछ गाड़ियां मैं बेचूंगा और हम लोग को पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि उन पैसों से मुझे शोरूम को बनाना है. तो आज की इस वाली वीडियो में मैं पैसे कमाने वाला हूं ताकि मैं अपने शोरूम को दोबारा से बहुत अच्छा खासा पैसा लगा के बहुत ऊंचा मल्टीपल फ्लोर्स का 5-10 फ्लोर्स वाला बिल्ड कर पाऊँ. बाकी यार ये मुझे पीछे जाना है, ये सांता क्या कर रहे हो, क्या क्या चल क्या रहा है ये? भाई वेट एक सेकंड, मुझे ना समझना है, यहाँ पर एक इवेंट है जिसमें ऊपर लिखा हुआ है 30 सांता मुझे फाइन करने हैं. तो जल्दी से अपनी एक मस्त गाड़ी उठाते हैं और चलते हैं. वैसे यार मस्त गाड़ियां तो सारी है, कौन सी उठाऊं समझ नहीं आ रहा, गाड़ियों कलेक्शन बहुत तगड़ा हो गया. इधर पोर्शे R8 सुपरा, और इस तरफ में ये देखो भाई ये वॉक्सवैगन की कोई तो है पता नहीं, बट इधर में पोर्शे R8, ये भी कोई प्यारी सी डॉज है शायद से, ये फरारी, लैम्बोर्गिनी, BMW, ये भी BMW, इधर भी एक और पोर्शे, इधर भी फरारी, इस तरफ में मस्टांग. और अभी यही नहीं, और सुनिए अभी दिखाता हूँ तुम्हें और गाड़ियां का. इतनी गाड़ियां जिस दिन रियल लाइफ में आ जाएगी ना भाई, कसम से मैं सो जाऊंगा भाई गाड़ियों के साथ. तो ये लेफ्ट में, अबे इनकी तो दुकान के अंदर भी स्नोफॉल हो रही है यार, ये क्या बदतमीजी है. कैडिला यहाँ पे एक पोर्शे, और अपनी सबसे प्यारी कार है इधर निसान GTR, जो कि इकलौती गाड़ी है इस गेम में जो राइट व्हील ड्राइव है, राइट हैंड ड्राइव है. ठीक है, गाड़ी को चालू करते हैं. चलो गाइस, गाड़ी हमने यहाँ से एकदम मस्त बाहर निकाल लिया. भाई बहुत ज्यादा स्नो पड़ी हुई है, मुझे डर पता है क्या लग रहा है कि स्नो में भाई टायर स्लिप ना हो जाए और अपनी गाड़ी इधर उधर भिड़ ना जाए. बाकी भाई क्या मस्त कैमरा एंगल आया इसमें, ऐसा लग रहा है कि गाड़ी अलग ही पावर पे भाग रही है. ठीक है, गाड़ी थोड़ी सी भगाते हैं भाई, काफी सारे अपडेट्स आए गेम में तो थोड़ी बहुत चीजें चेंज होती है. बाकी जो इवेंट है ना सांता क्लॉज का, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि सांता मुझे तब गिफ्ट देंगे जब मैं 30 स्नो, ये क्या होते हैं स्नो गोलेम, क्यों माइंड में आ रहा है मेरे यार,
स्नोमैन, स्नोमैन को ढूंढूंगा। तो अभी बेसिकली मुझे 30 स्नोमैन ढूंढने हैं और उसके बाद मुझे गिफ्ट मिलेगा। ये जा रहे सैंटा ऊपर अपना रेनडियर लेके। चलो चलो चलो, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं। अभी मुझे 30 स्नोमैन ढूंढ रहे हैं। मुझे पता करना है सैंटा की तरफ से क्या गिफ्ट मिलने वाला है। क्या पता भाई सैंटा मुझे बुगाटी दे दे। भाई अपनी निसान जीटीआर की स्पीड कम हो गई है क्या थोड़ी? ये सामने वाला बंदा हमसे तेज है। तेज नहीं है बट काफी अच्छी खासी स्पीड पे चला रहा है यार ये। बाकी यार मैंने ना सिटी का पूरा एक राउंड मार दिया बट मुझे अभी तक एक भी ओके दिखा। मेरे को पीछे की साइड में थोड़े बहुत दिखे थे ये स्नोमैन, ये डांस कर रहे। मुझे ये चाहिए। रुको। आई थिंक मुझे इस पर बस जाके टैप करना है। ओके तो स्नोमैन, ओ मुझे तोड़ना है। मैंने स्नोमैन ले लिया। ये क्या पड़ा है? तो ये गिफ्ट है। यू फाउंड आइडल वेल इन गिफ्ट। इससे क्या होगा? ओ हाँ, आजकल हम लोग ना स्क्रैप्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। भाई बहुत सारी नई चीजें आ चुकी है। बाय द वे इधर एक और यहाँ पर स्नोमैन। ओ मैं गाड़ी से ही तोड़ सकता हूँ, ठीक है। मुझे भी अलग से उतरने की जरूरत नहीं है। बट थोड़ी सी गाड़ी डैमेज करवा ली मैंने उस पर टक्कर मार के। चलो कोई बात नहीं, रिपेयर करवा लेंगे। इस पे भी टक्कर मार देता हूँ। 3 हो गए, मुझे 30 ढूंढने हैं। यानी 27 अभी और बचे हैं कहीं ना कहीं पे। दिखा। मुझे 2 और दिख चुके हैं। ये रहा एक तो अंदर है, ये एक टक्कर हो गई। सामने भी एक पड़ा हुआ। भाई बहुत सारे हैं, इजीली हो जाएगा। भाई सैंटा से गिफ्ट चाहिए तो देखो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो फटाफट से जितने भी दिख रहे हैं भाई इन्हें तोड़ते हैं। पेड़ के बीच में से गाड़ी निकाल के एक और तोड़ दिया। यहाँ पर एक और है, ये भी तोड़ दिया। अभी 7 हो चुके हैं। भाई ये निसान जीटीआर स्नो में क्या बढ़िया ड्रिफ्ट मार रही है। पहले नहीं थी ऐसी। अगर मुझे रोड पे जाना तो बस एक प्यारी वाली ड्रिफ्ट मार के मैं ला सकता हूँ। सही में यार बहुत ज्यादा क्रेजी हो गए गेम के कैमरा एंगल्स, पहले ऐसे नहीं थे। ओके अभी मैं पता नहीं कहाँ पर तो आ चुका हूँ। इधर भी मुझे एक और स्नोमैन दिख गया। ओ वेट गाइस, इधर एक बंदा आया जो कि फरारी के साथ बेट लगा रहा है। और अगर मैं अपनी फरारी लेकर आया और इसके साथ मैंने बेट लगा दी तो अगर मैं जीता तो इसकी फरारी मेरी और हारा तो मेरी फरारी इसकी। रेस करता हूँ बट मैं पता है क्या सोच रहा हूँ कि पहले अपनी फरारी ला के क्यों ना किसी दूसरी गाड़ी पे हाथ साफ करा जाए, उसके बाद मैं इन भाई साहब से रेस लगाऊंगा, ठीक है। भाई देखो मैं बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ अपनी वो भी फरारी चलाने, तो थोड़ा सा मैंने हाथ खुलना चाहिए। तो अभी स्नोमैन तो हम लोग कलेक्ट करते रहेंगे। अभी मुझे करने हैं काफी सारे कलेक्ट करने हैं। एक ये और हो गया और यहाँ पर एक और है, तो ये लो टोटल 10 स्नोमैन मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। अभी अपनी जीटीआर को यहाँ पे खड़े करते हैं, इंजन ऑफ कर देता हूँ, मैं पेट्रोल वेस्ट नहीं करना। हाँ तो मेरे पास फरारी यहाँ पर एक खड़ी है, ये रेड वाली लेके चलते हैं। तुम्हारा भाई गाड़ी में आ चुका है, इंजन चालू कर दिया है, अभी जल्दी से ले जाते हैं इसे। भाई स्नो में तो काफी गाड़ी, इसमें ड्रिफ्ट किट लगा है। ओ भाई ये नहीं, ये वाली नहीं ले जानी। गाइस सॉरी, गलत गाड़ी बाहर निकाल दी। इसमें ड्रिफ्ट किट लगा हुआ है, देखो कितनी प्यार से घूम रही है। इसको यहाँ पे एकदम ड्रिफ्ट मारते हुए मैंने अपनी फरारी ठोक डाली। चलो कोई बात नहीं, होता है कभी कभार होता है। इतनी सारी गाड़ियाँ तो कुछ ना कुछ तो डैमेज हो गई ना। बाकी हाँ अपनी दूसरी फरारी कहाँ खो गई ये खड़ी, ये लेके चलते हैं हम लोग। इंजन चालू। यार इस गाड़ी पे तो बहुत काम करवाना पड़ेगा, इसके टायर वायर एकदम पता नहीं कौन से जमाने के लगे हुए हैं। अरे यार मैकेनिक की शॉप पे भी भीड़ लगी हुई है। चलो हो गया, खाली हो गया, डन। तो अभी बस मैं थोड़ी मॉडिफिकेशन करवाने के लिए लाया हूँ गाड़ी, मुझे और कुछ नहीं करवाना। बस हाँ रुक जा। हेलो सर, एक काम करो, इसमें पहले तो रेसिंग किट डालो, डिफ़ॉल्ट किट थी, टर्बो डालो, NOS डालो, सस्पेंशन एकदम कमी रहने चाहिए, प्लेट व्हील चेंज कर दो यार। व्हील पता मैं क्या सोच रहा हूँ यार, वैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे व्हील्स आ रहे हैं बट मुझे समझ नहीं आ रहा फरारी पे सूट कौन सा करेगा। मेरा तो मन पता क्या कर रहा है, वैसे रियल लाइफ में भी फरारी के जो व्हील्स होते हैं ना वो कुछ ऐसे से होते हैं, ठीक है। तो ज्यादा सोचते नहीं है, 5,000 रुपए के वाले व्हील्स लगवा दिए मैंने और ये व्हील ना थोड़े बॉडी से बाहर आ रहे, तो सस्पेंशन उठवा दूं क्या हल्के से? पर पता नहीं क्यों ऐसे ग्लिची से हो रहे हैं यार ये, देखो। बट ठीक है अभी हो गया। चलो गाड़ी पे काम हो चुका है, अब जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं, वो बंदा चला ना जाए। चलो गाइस मैं फुल रेडी हूँ अपनी फरारी लेके रेस करने के लिए। बहुत तेज भगा के मैं जाने वाला हूँ इस गाड़ी को और आज मुझे एक बहुत अच्छी वाली रेस करनी है ताकि मैं उस फरारी के बंदे से जीत पाऊँ। लेट्स गो गाइस, रेडी हूँ मैं फरारी के साथ बैट लगाने के लिए। आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ जी भाई, पहले सीधा फरारी वाले से लगाऊंगा? चलो आपसे लगाते हैं, पहले रेस करने आ रहे हैं हम लोग एयरपोर्ट पे, लेट्स गो। ओके अभी मैं सिर्फ हाथ साफ करने आया हूँ, नेक्स्ट रेस में फरारी के साथ ही लगाने वाला हूँ। हाथ साफ से मेरा मतलब मैं सिर्फ गियर अप मारने वाला हूँ टाइम पे, बस मुझे देखना है कि मैं कितना अच्छे से कर पाता हूँ, ठीक है। टाइमिंग का गेम है सारा ये। चलो रेस लाइन टच तो कर दी भाई। 3, 2, 1 चलो। ओए ये क्या हुआ, पहली भाग गई मेरी गाड़ी। नहीं हर बार लेट शिफ्ट लिख कर आया, मैं हार जाऊंगा। एक तो मैंने नाइट्रो भी नहीं यूज़ करा। भाई तू कौन गधा यार, थोड़ा तो हरा था।
मेरे को पता नहीं क्यों डर लग रहा है कि अभी मैं अच्छे से प्रिपेयर नहीं हूँ इस रेस के लिए। मैं अपनी फरारी खो बैठूंगा भाई। मैं बहुत दिनों बाद सचमुच में ड्रैग रेस करने आया हूँ और मेरी इतनी तो कभी नहीं फटी जितनी आज फट रही है। रुक जाओ भाई, ड्रैग रेस से पहले गाड़ी थोड़ी बहुत भाई धो लेता हूँ मैं, साफ कर लेते थोड़ी सी। और ये क्या होगा भाई, गाड़ी धुलती नहीं है क्या बर्फ में? साफ ही नहीं हो रही है गाड़ी। अच्छा, ड्रैग रेस वाले एरिया में शायद क्लीनिंग नहीं कर सकते यार, मुझे डर लग रहा है। बट अभी मैं रेस लगा रहा हूँ और मेरा डर बस यही है भाई, मेरी गाड़ी डैमेज्ड भी है, फ्यूल भी कम है, क्या करूँ। लगा रहा हूँ भाई रेस, आज गई फरारी हाथ से। मुझे ऐसा बहुत फील आ रहा है क्योंकि फरारी का गियर शिफ्ट थोड़ा सा अलग सीन है, टाइमिंग इसकी बहुत अलग है। निसान जीटीआर पे हाथ बैठा हुआ बट ओपोनेंट में निसान जीटीआर वाला कभी आ ही नहीं रहा है। लेट्स गो, देखते हैं कि आज मैं रेस में जीतता हूँ या फिर हरा देता हूँ बहुत गंदी तरह। इंजन स्टार्ट, गाड़ी को लेके चलते हैं भाई, गियर अप। भाई भाग तो बड़ी अलग वे में रही है, पिकअप बहुत क्विक आ रहा है यार, इतना पिकअप कभी क्विक आता नहीं है। मेरे को बस जल्दी से बूस्टर मारना है टाइम पे। 2 1 गो, भाग 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 भाग। लेट्स गो, ओ भाई लेट्स गो, जीत गए। ओ भाई आज हम लोगों ने फरारी जीत ली भाई। बट हर बार लेट शिफ्ट लिख कर आया, मैंने शिफ्टिंग अच्छे से नहीं करी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ये रेस बहुत ही ज्यादा खराब करी है, बहुत ज्यादा खराब। बट मेरा जो ओपोनेंट था वो मुझसे भी ज्यादा खराब था। लेट्स गो भाई, उसकी गाड़ी हमें मिल चुकी है भाई, क्या बढ़िया है। वैसे सेम ही कार है दोनों की दोनों, बट ठीक है ना, मेरी वाली से तो ज्यादा क्लीन है वो। इसको फिलहाल रिपेयर करवाने भेज देता हूँ और इसको लेकर चलते हैं हम लोग घर पे सोने। भाई इसकी गाड़ी एकदम क्लीन कंडीशन में है यार। यार ये बंदा भगा क्यों नहीं पाया, मुझे सचमुच में समझ नहीं आ रहा। इसकी गाड़ी भी तो देखो क्या बढ़िया भाग रही है। चलो गाइस लेट्स गो, हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे। अभी नहीं पहुंचे, बस थोड़ी देर में आने वाला है यार। अंधेरा बहुत हो जाता है, प्लीज यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगवाओ। भाई सचमुच में बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। एक तरीके से तुम इतना मान लो कि हमने 4 से 5 लाख रुपए कमा लिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 सेकंड्स में। लेट्स गो। चलो गाइस गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे हो चुका है और अभी गाड़ी गए, गाड़ी गए। हाँ ये रही। चलो भाई अपनी नई नई फरारी लेकर दोबारा से हम लोग निकलते हैं सेंटा के स्नोमैन ढूंढने के लिए। भाई स्नोमैन आज मुझे चाहिए, सारे के सारे स्नोमैन मुझे आज ही ढूंढने हैं। मुझे जानना है सेंटा से मुझे गिफ्ट क्या मिलने वाला है। 10 थे अपने पास, 20 और ढूंढने हैं और ये हो चुका है। नहीं, डैमेज नहीं हुई है भाई, डैमेज नहीं हुई। चलो टोटल 11 हो चुके हैं। गाड़ी डैमेज नहीं हुई थी, वो स्नोमैन के टूटने का साउंड था। यहाँ पर स्नोमैन है, इसको तोड़ने के बाद हो गए हैं 12। यार सारा ना छानते हुए चलना पड़ेगा, कोई भी एरिया एकदम रह नहीं जाना चाहिए। तो नेबरहुड की साइड में आई थिंक जितने भी सेंटास थे, स्नोमैन थे, वो मैंने सारे तोड़ दिए। सचमुच में यहाँ पर मुझे और कोई भी नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। ये राइट भाई है यार, ये हर जगह घूम रहे हैं, काफी ध्यान से ढूंढने पड़ेंगे। 13। ओ भाई ये क्या है, मैं तो इन्हें एकदम खुले मैदान में ढूंढ रहा हूँ और ये लोग घरों के पीछे भी घूम रहे हैं। वैसे आज कार मार्केट प्लेस ओपन है, उस साइड पे चलते हैं, स्नोमैन भी ढूंढ लेंगे और लगे यहाँ गाड़ियां भी देख लेंगे कौन कौन सी आई है। वैसे तो अपने पास ज्यादा पैसे नहीं है बट जो फरारी हमने नई वाली जीती है, मैं इसी को बेच दूं तो बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा मेरे पास। तो एक तरीके से कल हमने कमाई करी है अच्छी खासी, बस वो है कि ऐसा हमें मनी में नहीं दिख रही है। वो एक सेकंड, यहाँ पे कोई गिफ्ट पड़ा है भाई, ये भी इसमें भी कोई कार का पार्ट निकलेगा, देखना कहाँ गया। ये रहा, इसमें क्या निकला है, बल्डन। ओ मेरे को सीधा $1700 मिल गए भाई, ये सही है यार, बैठे बिठाए कमाई हो रही है। चलो ये भी तोड़ दिया, 16 हो चुके हैं, ये इसको तोड़ के हो गए 17। यार बस थोड़े बहुत और ढूंढने हैं, सिर्फ थोड़े बहुत और, बाकी का मार्केट प्लेस में तो एक फरारी आ रखी है और कुछ भी नहीं है। छोड़ो यहाँ पे अपना कोई फायदा नहीं है, यहाँ से निकलते हैं। ओ वेट वेट वेट, यहाँ पे ऑक्शन के पीछे भी है, कार ऑक्शन वाले एरिया के, एक ये तोड़ दे। और यहाँ पे गिफ्ट भी पड़ा हुआ है भाई, गिफ्ट उठाते देखते कितने रुपए निकलेंगे। शॉक एब्जॉर्बर निकले भाई, ये क्या है यार, कल को हमारी गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर खराब होंगे तो हम लोग फ्री में रिपेयर करवा सकते हैं क्या भाई। यहाँ पे जगह जगह ट्रीज के नीचे गिफ्ट पड़े हुए हैं यार, और इसमें से भी शॉक एब्जॉर्बर निकले हैं भाई। तभी 18 हो चुके हैं, मुझे भी 12 और ढूंढने हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शोरूम के पीछे भी होंगे काफी सारे और इस एरिया में भी होने चाहिए। लास्ट टाइम यहाँ पे 2 पम्पकिन थे जब पम्पकिन वाला इवेंट था, और इस टाइम ये है एक, ये थोड़ा और है क्या कहीं यहाँ पे। ओ भाई इसकी दुकान के अंदर है एक, ये भी तोड़ जाए। गाड़ी डैमेज होगी, मैं आता हूँ रिपेयर करवाने आता हूँ बाद में। तो 20 हो चुके हैं, मुझे भी 10 और ढूंढने हैं, एक मुझे अंदर दिख चुका है, आराम से चल के तोड़ते हैं वाला। बस 21 हो चुके हैं। ओहो भाई और कहाँ पर मिलेंगे यार, कहीं आसपास में। ओके ओके ये रहा लेफ्ट में, वो बच गई।
गाड़ी डैमेज नहीं हुई, तो मेरे ऊपर से चढ़ा के ले गया फ्लाईओवर की तरफ। चलो क्या ठीक है, अभी मुझे ये कार वॉश वाले की दुकान किसे होते हुए जाना पड़ेगा इसको तोड़ने के लिए। 23 हो चुके हैं और यहाँ पर एक और है 24। भाई सही बताऊं तो अभी बाकियों का कुछ अता पता नहीं है। 24 थे और मैंने वो ढूंढ के कलेक्ट कर, ओ एक सेकंड, यहाँ पे गार्ड, वेट, निसान जीटीआर आ रखी है भाई रेस के लिए, और इधर ये पगानी है क्या, लाफरारी, $25,000 का बेट लग रहा है भाई लाफरारी के साथ। गाइस अभी अभी ज्यादा टाइम पास नहीं, हम लोग कलेक्ट करेंगे, ऐसे मना नहीं कर रहा, बट अभी ना देखो थोड़ा सा से कुछ मजेदार या तो अभी कलेक्ट कर लेता हूँ। अपने पास आज 3 ओपोनेंट है, एक है ऑडी, ऑडी को तो इजीली हरा देंगे, ऑडी फास्ट कार है, बट अपने पास उससे रेस में लड़ने के लिए GTR है, तो GTR लपेट देगी। बाय द वे ये भी ना 26 हो चुके हैं, यहाँ पे मुझे एक और दिख गया है, तो इसको भी चल के आराम से तोड़ देते हैं। हाँ तो 26 हो चुके हैं, मुझे सिर्फ और चार और ढूंढने हैं जो कि मैं आराम से ढूंढ सकता हूँ, और फिर मुझे सांता से गिफ्ट भी मिल जाएगा। और ये लो भाई गाड़ी का मैंने फ्यूल ही खत्म कर दिया भाई, एक सेकंड रुक जाओ, इसमें ना फ्यूल डलवा लूं मैं। अरे रुक जा भाई, बिना फ्यूल के ब्रेक भी नहीं लगती क्या, इसमें फ्यूल डालना है, हो गया। और अच्छा हुआ यहाँ पे फ्यूल खत्म हुआ, क्योंकि एक दुकान के अंदर था ये, मुझे कभी नहीं दिखता। अंदर है कुछ, अंदर गिफ्ट पड़ा है जो कि है ब्रेक डिस्क। ओके तो सिर्फ अभी मुझे 3 ढूंढने हैं, सिर्फ और सिर्फ 3। देखो यार वो जो 3 है ना वो मुझे कभी ना कभी मिलते ही रहेंगे। अभी मैं भाग के जाने वाला हूँ अपने शोरूम पे, वहां से उठाते हैं निसान GTR और GTR को भाई लेकर चलते हैं बेट लगाने। चलो गाइस अब टाइम आ चुका है, अरे रुक जा भाई। चलो एक और फरारी गैराज में आ चुकी है, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब GTR का यहाँ, चलो भाई GTR भाई, ये गाड़ी भाई सचमुच में इतनी ज्यादा फास्ट है, इससे ज्यादा फास्ट कार अभी तक मेरे पास गेम में नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो ला फरारी है वो इससे ज्यादा फास्ट है। ठीक है तो मैं भी यहाँ पे मैकेनिक शॉप पे आ चुका हूँ, मुझे पोर्शे टो करवानी है, टो करवा के हटा देते हैं, फरारी को रिपेयर पे लगवा देता हूँ मैं, बहुत ज्यादा डैमेज है। और मेन तो मुझे अपनी निसान GTR को रिपेयर पे, अच्छा कोई और की गाड़ी आ गई पता नहीं कब में। चलो ठीक है उस बंदे की गाड़ी रिपेयर हो गई, अब अपनी निसान GTR को रिपेयर पे लगवा देते हैं जल्दी से, क्योंकि मुझे इसे रेसिस के लिए लेके जाना है। एक सेकंड, वैसे मैं इतना गरीब हो रही हूँ और इन्हें $21,000 चाहिए, भाई इस गाड़ी के पार्ट्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है यार सचमुच में, कुछ ज्यादा ही खर्चा करा देती है यार ये गाड़ी। बाकी यहाँ जब तक अपनी गाड़ी रिपेयर हो रही है मैं थोड़ा अगल बगल नजर मार लेता हूँ यार कि एक आध मुझे स्नोमैन दिख जाए, क्योंकि भी सिर्फ और सिर्फ 3 बचे हैं और इन तीनों को ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं होगा। एक माउंटेन पे दिख गया बोरा सामने, एक वो हो गया, और यहाँ पर तो दूर दूर तक एक भी नहीं है। ठीक है मुझे अभी एक का लोकेशन एग्जैक्ट मालूम है, तो एक तरीके से मुझे अभी बस 2 ढूंढने, बट पहले मैं रेसिस करने के लिए जा रहा हूँ भाई, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फरारी रिपेयर हो चुकी है, निसान GTR भी रिपेयर होगी। चलो भाई टाइम आ चुका है, ओ एक मिनट एक और मिल गया, अंदर ही था भाई। चलो अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही ढूंढना है, तो एक तरीके से मुझे सांता से भी गिफ्ट अब मिल जाएगा। चलो भाई गाड़ी बाहर निकाल लिया, अब फटाफट से भगा के चलते हैं। मेरा प्लान पता क्या है, पहले हम लोग रेस करेंगे ऑडी से, थोड़ा हाथ खोलेंगे, उसके बाद मैं रेस करूंगा ला फरारी से, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाली है, क्योंकि वो गाड़ी इससे हो सकता है फास्ट हो। आई डोंट नो वो गाड़ी अभी कितने BHP, मेरे को लग रहा था चली गई। हाँ तो पहले मैं ऑडी वाले के साथ रेस लगाऊंगा, फिर मैं फरारी वाले के साथ रेस लगाऊंगा, और एंड में मैं निसान GTR वाले से बेट करने वाला हूँ कि जिसकी गाड़ी, मतलब बेट बेसिकली, अगर ये हारा तो इसे अपनी गाड़ी देनी पड़ेगी, मैं हारा तो मुझे अपनी गाड़ी इसको देनी पड़ेगी, और ये एक ऐसी गाड़ी है जिसको मैं बिल्कुल खोना नहीं चाहता। आजा मैं तेरी थोड़ी सफाई कर दूँ इसी बात पर, थोड़ा नहला दुला के लड़ाई करनी चाहिए। मैं वैसे लड़ाई नहीं कर रहा, रेस कर रहा हूँ, बट कार वर्ल्ड में इसको एक टाइप से फाइट ही बोला जाएगा भाई। चलो लेट्स गो, GTR पूरी चमका डाली है, सिर्फ आगे आगे से, पीछे से थोड़ी सी गंदी रह गई थी। चलो अभी अभी सच में पूरी चमका दी है भाई, लेट्स गो। मैं जा रहा हूँ फर्स्ट रेस करने ऑडी के साथ, $400 की रेस। ठीक है TT को तो मैं सच में यार वैसे टाइम, कसम से टाइम पास के लिए रेस कर रहा हूँ TT के साथ। चलो गाइस गाड़ी भगा, अरे आराम से भाई, पहली गियर पे ही लपेट, अरे पीछे चलनी है पीछे, एक मिनट गियर डाउन पीछे या कंट्रोल से गियर डाउन करके मैं गाड़ी, अच्छा गियर यार यहाँ पे गाड़ी मैनुअल सिस्टम में चले जाती है यार, वो रिवर्स पे लगी है तब भी, छोड़ो। एक रेस में $400 की ऑडी TT ने हरा ही दिया भाई। ऑडी TT आई, निसान GTR को उसने हरा दिया, समझ रहे हो बात को तुम, कोई बात। अब ला फरारी से लगाते हैं 22,000, अरे अभी 25 की थी, 17 की हो गई, 22 की हो गई, 17 की हो गई, अब 19 की हो गई, जितनी बार पूछ रहा हूँ रेट बदलने हैं। अब बताओ 18, 19, अरे 23 नहीं 24, 18, 23, 17, 21, 20, अरे यार 23 आ जाओ, 24, ठीक है रेस, लेट्स गो, देखी जाएगी भाई। क्या लगता है गाइस, ला फरारी जीतेगी या फिर निसान GTR? भाई वो गाड़ी का बॉडी साइज कितना ज्यादा बड़ा है यार अपनी गाड़ी से, मुझे लग रहा था बराबर हो। चलो गाड़ी का गियर अप मैंने कर दिया है, धीरे धीरे आगे लेकर चलते हैं, और एकदम मस्त ब्रेक 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 बस ब्रेक। चलो ला फरारी भी आ चुकी है, 2, 1।
जीत गए। मैंने स्टार्ट इतना गंदा कैसे करा, मैं भूल ही, मैं मतलब मेरा पता नहीं कहाँ ध्यान था, बट ठीक है जीत गया। मेरा एंड में जो मैंने बूस्टर मारे है ना, नाइट्रो जो मारे गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ स्कैम हो चुका है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं रेस जीता हूँ ला फेरारी से और तब से ये गेम मेरा लोडिंग स्क्रीन पे अटका हुआ है। मैं बस देख रहा हूँ इसे बैठ के, हाँ भाई कब चालू होगा ये, बस ऐसे लोगो ऐसे जा रहा है और ऐसे वापस थोड़ी देर में आ जा रहा है। करूँ क्या भाई, क्या करूँ, रिफ्रेश दबाऊँ क्या करूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई बटन ही काम ही नहीं कर रहा है। भाई तुम्हें नहीं पैसे देने, तुम्हें पैसे नहीं बचे, मत दो यार, गेम चला दो, बोल दो हमने कर दिया स्कैम या पैसे खत्म हो गए। मेरे को तो पता भी नहीं अब सेव कहाँ से आने वाला, मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ यार। ठीक गाइस, मैंने गेम रीलॉन्च करा है, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं मेरा सेव प्रोसेस कहाँ से आने वाला है। पता नहीं मुझे मेरा फरारी का जीता हुआ पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि गेम चलेगा या नहीं चलेगा। भाई क्या हो रहा है ये, ओके चल गया, ओ वाओ, एक सेकेंड, गेम वेम सब चल गया, GTR भी यहाँ पे खड़ी है और स्नोमैन मैंने जितने कलेक्ट करे थे उतने ही है, बट मेरे को निशान GTR से रेस करनी थी। वो कहाँ है यार, एक तो इतनी रेयरली वो आती है, क्या पता आज मैं उसे बैट में हरा कर एक और जीत लेता। भाई ये बहुत अनलकी डे था यार, भाड़ में जाए मुझे नहीं देखना। अभी फटाफट से मैं स्नोमैन कलेक्ट कर रहा हूँ, भाई मेरा मूड खराब हो गया। ये वाला कैमरा एंगल यूज करते हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा दिखेगा। ओ दिख गया दिख गया, चलो सारे स्नोमैन समझ लो कलेक्ट हो गए। एक येरा, एक जो लास्ट है वो माउंटेन के ऊपर है, तो अभी ज़्यादा इधर उधर नहीं देखते, फटाफट से माउंटेन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि हमें सेंटा की तरफ से क्या मिलने वाला है। लेट्स गो भाई, फुल बूस्टर मार दिया मैंने तो। चलो हम लोग पहुंच चुके हैं माउंटेन पे, गाड़ी ले जाऊं या फिर पैदल जाऊं, वैसे ठीक है यहां तक तो आ गए, गाड़ी आई गई है। ओ भाई वेट, मैंने दबा दिया, और ये क्या है, सेंटा की तरफ से कुछ मिलने वाला है गिफ्ट। ओ तेरी, इतना बड़ा गिफ्ट का डब्बा फेंका है पता नहीं कहाँ पे, उस तरफ है कहीं तो। भाई लेट्स गो, मुझे नहीं पता भाई वो क्या है। एक सेकेंड, इधर भी गिफ्ट है कुछ, वैसे ट्रीज के पीछे भी बहुत सारी चीजें कुछ ना कुछ पड़ी है। $1200 मिल गए भाई, यार मुझे ना सच बता रहा हूँ बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, बहुत ही रेयरली का मैं फर्स्ट टाइम मैंने निशान GTR अपनी गेम में ड्रैग रेस वाले एरिया में देखी है, तो मेरा तो बहुत ज्यादा मन था, बट ना चाहते हुए भी मैं उस गाड़ी से रेस नहीं कर पाया। चलो खैर ठीक है, कोई बात नहीं, इतना भी बुरा दिन नहीं था अपना, हमने ला फरारी से रेस जीती, एक पूरी पूरी फरारी कार जीत ली और हमें सेंटा की तरफ से गिफ्ट मिल चुका है, बट मैं इसे कल आऊँगा ओपन करने। गिफ्ट ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है, अभी काफ़ी अंधेरा हो गया, मुझे पता नहीं इसमें क्या है, मुझे पता नहीं क्या है। एक काम करते हैं, कल आना तो है ही, तो अपने पुराने वाले घर पे ही सो जाते हैं भाई, ये कंटेनर में रहते थे ना हम पहले, यहीं सो जाते हैं आज। सचमुच में यार मेरे पास सिर्फ और सिर्फ $24,000 बचे हैं यार, क्या ही गरीबी आ चुकी है। चलो कोई बात नहीं, अभी गाड़ी को उठाकर चलते हैं और जल्दी से चल के एक गिफ्ट को ओपन करके देखते हैं इसमें क्या हमें मिलने वाला है। भाई ये जितना बड़ा डब्बा है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर गाड़ी है, और गाड़ी भी एक नहीं है, पता नहीं कैसा लग रहा है, चार गाड़ी है। अगर कोई एक बहुत ही रेयर कार हो जो कि मेरे पास ना हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा बहुत महंगी गाड़ी हो, रेयर गाड़ी होनी चाहिए, सस्ती हो चलेगा, बट कोई ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जो इस पूरे शहर में कहीं नहीं है, मेरे अपने टेक्नो मोटर्स शोरूम में नहीं है, या फिर अगर कोई नॉर्मल गाड़ी मिल रही है, आई मीन इस गेम के हिसाब से नॉर्मल फरारी, लैम्बोर्गिनी, सुप्रा, मस्टैंग, तो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी हो, दो तीन गाड़ियाँ हो। तो 3, 2, 1, अरे ओपन कहाँ से करना है, मुझे तो लगा ओके ये रहा डब्बा का, ओके मैं इसे साइड से ओपन कर सकता हूँ भाई। चलो दबा दिया मैंने बटन और इसमें से ऑडी TT निकली है। अरे यार ये वापस ले भाई, इसको तुरंत बेच दूँ क्या, गुस्सा आ गया यार। अबे यार TT निकली है भाई, ये गाड़ी तो भेजो पहले रिपेयर कराने, मूड खराब हो गया अभी सारा। वैसे पता है सीन क्या है, ये गाड़ी ना मतलब इस पर एक स्पेशल स्किन लगी है, ये गाड़ी थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि ये सेंटा इवेंट की है, तो आई थिंक मैं इसको बेच तो सकता हूँ अच्छे खासे प्राइस में, बट यार ये गाड़ी बहुत ही घटिया है भाई, सच मुच में पूरा पूरा ही मूड खराब कर दिया आज तो यार। इतना ज़्यादा दुख तो कभी भी नहीं हुआ, बट हाँ अभी अपने पास है कि दो रेयर कार हो चुकी है, एक है अपने पास ये हेलोवीन वाली पोर्शे और दूसरी है एक ये क्रिसमस वाली ऑडी TT, ये दोनों स्पेशल कार्स हैं। ठीक यार ये अपने शोरूम की शान बढ़ाएगी, जब शोरूम बन जाएगा तो कुछ स्पेशल कार अपने पास होगी, बट हाँ आज के लिए हमने काफ़ी ठीक ठाक पैसा कमा लिया है। वैसे भी आप लोग सोच रहे होंगे भाई ठीक ठाक पैसा, तूने तो कुछ भी नहीं कमाया, तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, बट सही बताऊँ तो मैंने एक फरारी कार जीती है और उस फरारी कार को मैं $5,00,000-$4,00,000 का बेच सकता हूँ, तो मैंने उतना पैसा कमा लिया है कि मैं अपने शोरूम को अच्छे से बिल्ड कर पाऊँ।
तो आज पैसों की कमाई हो चुकी है, फरारी को मैं सोच रहा हूँ अभी ही बेच दे क्या। वैसे यार अभी लगे हाथ बेच दू क्या? हाँ यार, शायद से मुझे ना गाड़ी को बेच देना चाहिए, क्योंकि सीन पता क्या है, 4 बजे आज ऑक्शन है और ऑक्शन में कोई ना कोई तगड़ी गाड़ी जरूर आएगी। तो भाई साहब जी, अच्छा गाड़ी रिपेयर ठीक कर दी, चलो ये गाड़ी रिपेयर हो चुकी है, फटाफट से इसे बेचने पे लगा देते हैं। भाई लाइन लग चुकी है यार फरारियों की, चलो फरारी यहाँ पे खड़ी कर दी। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि फरारी बेचने से बढ़िया मैं वो कार बेचूँ जो ज्यादा क्वांटिटी में है। वैसे फरारी ज्यादा क्वांटिटी में, 1, 2 यहाँ पर एक और खड़ी है ना, 3, भाई 3 हो गई है। चलो भाई फरारी को लेकर चलते हैं शोरूम में खड़े करने, क्योंकि अगर इसे बेचना है तो मुझे इसे इस एरिया में खड़ा करना पड़ेगा। एक ये बेच देता हूँ, मेरे पास पोर्शे है, आई थिंक मुझे पोर्शे बेचने का जरूरत नहीं है। अगर कुछ बेचना चाहिए तो वो है ये वाली BMW, ये बेच देते हैं, थोड़ी सी कॉमन है। चलो गाइस, तो 2 गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है बिकने के लिए, फटाफट टैब ओपन करके इन्हें एकदम मस्त प्राइस में डाल देते हैं वेब पेज। तो ये है अपनी फरारी जो कि मैं बेचूंगा, बाइंग प्राइस मेरा $220,000 था, तो सेलिंग प्राइस इसका मैं $700,000 डालने वाला हूँ, 50 लगा के सीधा पोस्ट। दूसरी गाड़ी है अपने पास ये BMW जिसका बाइंग प्राइस 18,000 था, तो मैं इसे 80,000 में बेचूंगा। चलो भाई दोनों गाड़ियां मैंने बिकने के लिए लगा दिया है, ऑफिस को अपने ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कितनी देर में कस्टमर आते हैं। मुझे बस ये दोनों गाड़ियां बेच देनी है। और ये देखो मैंने कितनी गंदी लाके खड़ी करी थी अपना, भाई बड़ा सही काम कर रहा है, जल्दी से क्लीन कर दी। बाकी यहाँ मुझे ना एक एक्सपेरिमेंट करना है, और वो एक एक्सपेरिमेंट ये है कि ये जो Audi TT है ना, नॉर्मली ये इतनी महंगी बिकती नहीं है, बट अगर ये क्रिसमस की स्पेशल वाली है तो मैं इसको मान लो बेचने के लिए लगाता हूँ। वेब पेज पे जाके अपनी नई वाली गाड़ी ये है जिसका बाइंग प्राइस कुछ भी नहीं है, हमें फ्री में मिली है, बट अगर मैं इसको $2 million का डाल दूँ, 1, 2, 3, 1, 2, 3 $2 million का मैंने इसे डाल दिया, अब एक क्रिसमस वाली है, तो देखते हैं कि क्या मैं बेचूंगा। नहीं मैं पहले बता रहा हूँ मैं इस गाड़ी को बेचूंगा नहीं, मुझे इसे कलेक्शन में रखनी है, बट फिर भी ये $2 million की है तो क्या इसके लिए कस्टमर आते हैं या फिर नहीं, मुझे तो बस ये देखना है। बाकी पता नहीं यार, कुछ अनपेड बिल्स है पे कर देता हूँ यार, स्क्रीन पे सामने लिख कर आते हैं। ओके वेट, फरारी के लिए कस्टमर आ चुकी है और 7 लाख मैंने डाला है, 2,20,000, मैं 5 लाख तक की बेचना चाह रहा हूँ इस गाड़ी को, और ये 3,41,000 ठीक है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, प्रॉफिट हो रहा है मेरा 1 लाख का सीधा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके और ये TT के लिए कस्टमर आ चुकी है, $2 million मेरा आस्किंग प्राइस है, इसको देखते हैं कितना दे रही है। ओके $2 million और ये 33,000 भगे ऐसे पागल है तू। ओके न्यू कस्टमर आ चुकी है, हाँ जी मैम बताओ कौन सी गाड़ी के लिए आप, BMW के लिए तो नहीं आए? अरे यार ये गाड़ी मैं हटा रहा हूँ, सेल से ही हटा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है 2 मिलियन क्या $1 लाख की भी नहीं जाएगी ये 24। भाई तुम्हें पता नहीं है इस गाड़ी की वैल्यू, इसको सेल से हटाओ भाई, फालतू में कस्टमर आ रहे हैं इसके लिए, मुझे नहीं डील करना है ऐसे कस्टमर से, हट यहाँ से भाई, रिमूव फ्रॉम सेल। यार 4 बजे ऑक्शन है, जल्दी जल्दी आ जाओ। BMW के लिए कस्टमर आया है, इसको तो मैं निकाल देता हूँ, जितने की बिकेगी बेच के खत्म करते हैं। अरे नहीं भाई इतनी भी कम नहीं, मेरा बाइंग प्राइस बहुत ज़्यादा था, 18 था, और तू 21 की ले रहा है, पागल है क्या, नुकसान थोड़ी करवाऊँ, रिपेयर भी करवाई है मैंने गाड़ी। 4 बज चुके हैं भाई, ऑक्शन चालू हो गया यार, और मेरे पास पैसे नहीं है, फरारी को बेचना पड़ेगा। ओके न्यू कस्टमर आ चुके हैं, हाँ जी भाई सब आ जाओ फरारी के लिए आया, बस $5 लाख दो ये ले जाओ प्लीज़, रिक्वेस्ट है, 3,56,000 ये बोल रहा है, क्या तू 4,20,000 तक भी आएगा तो ले जा, $4,20,000 यस। अच्छा नहीं हो रहा ना, निकल यहाँ से सीधा निकल, तेरा भाई आया पीछे उसको BMW बेचूंगा, दोनों सेम है भाई। ओके 26 बोल रहा है भाई, ये भी गाड़ी नहीं जा रही यार, 32 में लेगा, थोड़ा तो बड़ा हो भाई, जेब वेब थोड़ी खोलो, 30 में ले जा वरना निकल यहाँ से, ऑक्शन ही खत्म हो जाएगा। ओके ठीक है बिक गई भाई, BMW बिक गई, ये वाली गाड़ी बेचनी नहीं है, इसको यहाँ से हटाओ। चलो जब तक कस्टमर आ रहे हैं तब तक मैं एक चक्कर काट के आता हूँ ऑक्शन में कौन कौन सी गाड़ियाँ आ रखी हैं। जब मेरे पास पैसा नहीं होता ना तो यहाँ पे बहुत रेयर कार्स आती हैं, फिलहाल अभी 3 गाड़ियाँ नॉर्मल है, Porsche है, बाकी 2 तो बेकार है, पता नहीं 4th गाड़ी कौन सी आने वाली है भाई, कहीं Dodge Viper वगैरह ये सब ना आ जाए यार। यार एक तो शोरूम बनाना पड़ेगा यार, बाहर जिस तरीके से मैंने गाड़ियाँ फेंकी पड़ी है ना खुले मैदान में, किसी दिन कोई चोरी चक्कारी वाला अपडेट आ गया ना मेरी सारी गाड़ियाँ चोरी हो जाएगी भाई। चलो ठीक है, एक और यहाँ पे लेडी आ रही है जो अपनी फरारी के लिए आ रही है, तो प्लीज इस गाड़ी को खरीद ले, रिक्वेस्ट कर रहा हूं यार पहली बार में। 7 लाख मैंने डाला है, 5 लाख लगा दो यार, क्या हो गया 2 लाख, मैं भाग यहां से सीधा भाग, पानी से निकल ना, क्या करो क्या यार, इतनी ज्यादा भी गाड़ी नहीं हो जानी चाहिए, मतलब देख रहे हो तुम इधर Lamborghini, इधर Mustang, मैं खड़ा भी गाड़ी पे हूँ, फरारी Porsche, ओहो कुछ ज्यादा Porsche हो गई है भाई, वैसे सच में कुछ ज्यादा Porsche हो गई यार, जैसे 1, 2, 3,
और चौथी वो खड़ी, ये रही यहाँ पर चौथी, और एक मैं हार चुका हूँ। तो अपने पास पांच थी क्या भाई ये? चलो ऑक्शन तो भी खत्म हो चुका है, ऑक्शन से मैं कुछ खरीद नहीं पाऊंगा। बाकी यहाँ पर एक कस्टमर आया, अबे अंदर कहाँ जा रहा है, यहीं से देख ले। 7 लाख है भाई, 5 लाख भाई, तू क्या आदमी है यार। 4 लाख की खरीदेगा, 4,10,000 की तो खरीद ले, वरना टाटा बाय बाय। ओके ठीक है, बिक गई। तो आज हमने 4,10,000 में को इतना ही कमाना था, इतने में अपना शोरूम प्यार से बन जाएगा। और एक तरीके से वो गाड़ी मेरे लिए फ्री की थी, क्योंकि मैं तो भाई रेस में जीत के लाया था ना, उसके बदले मैं दूसरी वाली रेस में जीत के लिए आया हूँ। तो चलो भाई, ये है अपना शोरूम जो कि आज तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा है, बट अगले एपिसोड में हम लोग इसे पूरा बनाने वाले हैं। अभी तक हमें पैसा चाहिए था, पैसा सारा कलेक्ट हो चुका है, तो लेट्स गो भाई, नेक्स्ट एपिसोड में बिल्ड चालू हो जाएगा। आप लोग कमेंट्स में बताना कि फ्लोर कितने बनाने चाहिए, जितनी हाइट है एकदम जितने बन सकते हैं सारे बना दो, या फिर हाँ जितना जो मेरे माइंड में लुक है उसके हिसाब से चलने चाहिए वो बताना। बाकी आज के साल वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को जाके लाइक करना। बड़े दिनों बाद कार फॉर सेल का एपिसोड आया था, तो इस वीडियो पर एम करते हैं 5 लाख्स लाइक के, तो जाओ लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और हाँ यार, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब का बटन बस बस दबा डालो। बाकी ठीक है, आज के वीडियो को एंड करते हैं, मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Yeah.